मैं दिलीप कुमार अपने YouTube चैनल पे आज क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री में H इक्वल टू कर्ण, B इक्वल टू आधार एंड P इक्वल टू लंब। थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ थीटा, ये थीटा हुआ, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। ये समकोण 90 डिग्री एंगल, ये समकोण की सीधी रेखा जो इसे सीधी वाली लाइन है वो हमेशा कर्ण होती है। ये हमेशा लंब चेंज हो सकती है बट कर्ण चेंज नहीं हो सकती। जैसे ही थीटा चेंज होगी, अगर यहाँ पे थीटा 1 होगी तो कर्ण लंब यहाँ भी हो सकती है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन होते हैं जैसे कि साइन, कोण, एंगल की सीधी लाइन वाली कर्ण होती है, ये हमेशा कर्ण होती है। और अगर थीटा चेंज हो तो अगर हम सी को थीटा लेते हैं तो लंब ये होगा, और ए को अगर थीटा लेते हैं तो लंब ये होगा। अगर लंब सी वाली अगर ये होता है, अगर थीटा हम ये ले रहे हैं तो यहाँ पे आधार हो जाता है। इस तरीके से अगर ये हम थीटा ये लेंगे तो हमारा आधार ये हो जाएगा। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण समकोण की सीधी लाइन वाली होती है, ये जो होगा वो कर्ण होगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के बारे में कुछ जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के बारे में जानेंगे। इसके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका रिवर्स कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। जैसे साइन थीटा की बात कर लेते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू पी बटे एच होता है, पी बटा एच। पी को हमने डिनोट किया है लंब बट्टा एच कर्ण। इसका रिवर्स कोसेक होता है, कोसेक थीटा एच बट्टा पी, मीन्स कर्ण बट्टा लंब। फिर हम कोसेक लेते हैं कोस थीटा के लिए हमारा बी बट्टा एच होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो कोस थीटा का रिवर्स सेक थीटा होता है, सेक थीटा का होता है एच बट्टा बी, मीन्स कर्ण बट्टा आधार। उसके बाद टेन थीटा का पी बट्टा बी, मीन्स लंब बट्टा आधार। और कोट थीटा जिसका बी बट्टा पी, इसका रिवर्स होता है टेन का, तो इसका हो जाएगा आधार बट्टा लंब।